तहसील पुलिस थाना अंतर्गत बीते कुछ दिनों पहले एक घर में चोरी हुई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए तहसील पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो पकड़े जाने के डर से कपड़े बदल बदल कर चोरियां करता था। बता दें कि इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनौने ने दी। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गांजा खेत चौक में रहने वाली फिरियादी ये पुणे में जॉब करती है और बीते कुछ दिनों पहले फिरियादी के माता पिता भी उसे मिलने पुणे गए थे। हालांकि जब वे घर लौटे तब उन्हें घर की स्थिति ठीक नहीं लगी और घर में चोरी होने की बात उनके समझ में आई, जिसके चलते तहसील पुलिस थाना अंतर्गत उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते तहसील पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनौने ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 15/3/22 रोजी पोलीस स्टेशन तहसील हद्दीतील नांदबाची डोब गांजाखेत चौक जवळ घर आहे। घरात नवरा बायको दोघंच वयस्कर इसम राहतात। ते पुण्याला गेलेले होते आणि ते त्या दरम्यान कडी कोंडा तोडून आतमध्ये प्रवेश करून घरफोडी झाली होती। एकूण 4,44,000 मुद्देमाल चोरीस गेला होता। त्यापैकी आम्ही एक जुएनाईल आरोपीला सध्या विधी संघर्ष पालकाला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडनं सदरचा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे आणि गुन्ह्यातून एकूण 1,00,000 रुपयाचा मुद्देमाल जवळपास आम्ही त्याच्याकडनं रिकवर केलेला आहे। त्याच्यात आम्हाला पाहिजे असलेला एक आरोपी अद्याप फरार आहे, मिळून आलेला नाही, त्याचा शोध चालू आहे, लवकरच तोही आम्हाला मिळेल। रात्रीच्या वेळेला झालेली घरफोडी आहे। मोठ्या पेचकसच्या साह्याने त्याने कडी कोंडा तोडलेला आहे आणि घरात प्रवेश केलेला आहे। यामध्ये हा जुएनाईल आरोपी आहे, त्यांनी यापूर्वी पण गुन्हे केलेले आहे। या चोरीमध्ये त्याने स्वतःला झाकण्यासाठी किंवा स्वतःचं अस्तित्व लपवण्यासाठी वेळोवेळी कपडे बदलले, 2 ते 3 वेळा कपडे बदलले। त्यात एक वेळा महिलेचंही गाऊन वगैरे घालून कपडे बदलून त्याने चोरी केलेली आहे। पुलिस ने इस मामले में कुल 96,220 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। वह इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज़ नागपुर।